चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 1 जुलाई, यानी मेरी बेटी के बर्थडे का दिन। जी हाँ, आज वो 2 साल की कंप्लीट हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि उसके 2 साल पूरे हो गए हैं, देखते देखते इतनी बड़ी हो गई है। सो बहुत ही प्यारी लग रही है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं 4:40 हो रहा है अभी, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। थोड़ा सा मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद उस भगवान जी का आशीर्वाद उसको दिलाएंगे अपनी बेटी को, और थोड़ा सा घूमेंगे। फिर उसको थोड़ा घुमा देंगे, क्योंकि उसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा उसको घुमाएंगे, मस्ती वस्ती थोड़ा करेगी, उसके बाद वापस आएंगे, और फिर पार्टी वोटी जो भी है वो सारा सेलिब्रेशन रात को आके करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि बाहर जब हम, जैसे मैंने बताया है कि जब भी कहीं जाना होता है तो हमेशा लेट होने लगता है मुझे। सो सबको तैयार हो गए हैं, मेरी बेटी और मेरे पतिदेव बाहर वेट कर रहे हैं, और मैं भी रेडी हो गई, तो बस चलते हैं। ओके, बाकी अपना लुक चल के तो दिखाते हैं कंप्लीट। ओके, बाय कर दो। बाय बाय, जा। ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं, आप जाइए, हम आ रहे हैं। बुद्धा के पास चल रहे हैं। आपको था ना मन बहुत सारा बुद्धा पास जाने के लिए, आज बुद्धा पास जा रहे हो आप। हैप्पी? हम लोग रास्ता गलत पकड़ लिए क्या? क्यों? बारिश में कीचड़ तो नहीं होगा? इतनी बारिश कहाँ होगी, धूप आते दिन में, धूप ही तो है, थोड़ी बारिश हो गई थी। क्या चाहिए? पापा ये चाहिए। कौन चाहिए? वेलकम बेटा। थैंक यू, बाय बाय। हुआ क्या, हम लोग सोचे कि शॉर्टकट वाला रास्ता लेके जल्दी मंदिर पहुंच जाएंगे, बट बारिश की वजह से शॉर्टकट वाला रास्ता इतना ख़राब हो गया था, मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी पूरी ख़राब हो गई थी। इस वजह से हम लोग फिर टाउनशिप से बाहर जाके लॉन्ग टर्म वाला रास्ता लिया, और फिर हम लोग मंदिर पहुँचा आराम से। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? आप बताओ। आप बताओ। तो बुद्धा भगवान के पास जा रहे हैं। घूमी करना है? आज क्या है आपका? हैप्पी बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे चाहिए। पहले हैप्पी बर्थडे टू यू कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप बताओ। चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार और बोल दो। बोलो। एक बार बोल दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। शॉर्टकट में काट के ले गई। हैप्पी बर्थडे टू ये कहाँ मिला? जिसे मैं अंदर मौक दिया हुआ था। मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले चलो
स्माइल 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 स्माइल। ओके जाना, वो देखो पापा। गिर ना जाए, उधर देखना। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ बताओ। बुद्धा पास कहाँ जाना है? हाँ बुद्धा पास जाना है। ओम बुद्धाय नमो नमः। बुद्धा कहाँ गया? बुद्धा ऊपर है। बुद्धा ऊपर जाना है। चलो। आ बताओ कौन है? निकोले। आ बताओ। निकोले। वो बुद्ध भगवान है, ये बुद्धा है ना? और कौन कौन है यहाँ पे? ये जो विशाल बुद्ध भगवान कमल के फूल के ऊपर स्थापित हैं, उसके जस्ट नीचे रूम बनाया गया है जिसमें बहुत सारे महापुरुष का मूर्ति बनाया गया है। देखने में लग रहा है जैसे कि एकदम असली के हों, एकदम सब कोई बैठे हुए हों मग्न में ध्यान में, और सभी महापुरुषों के नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। कर दो पापा, हैप्पी पापा कर दो। थैंक यू पापा, थैंक यू करो। कर दो पापा थैंक यू। पापा थैंक यू बोलो। कर दो पापा थैंक यू। पापा थैंक यू। वेलकम बेटा। कर दो थैंक यू यहाँ लाने के लिए, इधर लाने के। चलो चलो नीचे पार्क में। अब चले 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 चलो पार्क में चलो। कोई नहीं जाने दीजिए। कहाँ आगे वापस? तो चलते हैं। ये रहा ऊपर का नज़ारा, यहाँ बुद्धा जी के यहाँ का पूरा ये नज़ारा है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा, इतना खुला वातावरण है ना, बहुत अच्छा लगता है। बट ये मौसम छांव वाला है, बट हवा उतना पता नहीं चल रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। सब चलते हैं नीचे, नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। और बहुत सारे फूल भी लेना है तो वो भी तोड़ेंगे, क्योंकि शाम के डेकोरेशन में करना है तो तैयारी करने उसके लिए फूल भी लगेगा। वो चीज़ है तो चलते हैं फटाफट से। ओके पापा, किसे दे दो, किसे दे दो पापा को। हो गया हो गया।
चलते हैं अब, बहुत घूम चुके हैं, बारिश में भीग जाएंगे, इसलिए निकलते हैं फटाफट, जाते हैं रूम पे अब। तो बारिश बहुत तगड़ी शुरू हो गई, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं और घूमना फिरना भी हो गया। और मेरी बेटू काफ़ी मस्ती की है ना, मस्ती की ना, लेकिन ये है कि इनका क्लिप बचता ही नहीं है, कई टू क्लिप लगाए थे और निकाल के फेंक दिए, नहीं पसंद आया। बारिश होने लगा, घूमे किए, मस्ती किए, इनको फूल मिल गया ना, जैसे मेराई हुई है ये। आज का दिन अच्छा रहा, तो पूजा भी हो गया, घूमना भी हो गया, भगवान का आशीर्वाद भी ले लिए, खूब सारा घूम भी लिए। आप चल के रूम पे सो लेना है ओके, ताकि जब आप उठो आराम से तो एकदम अच्छे से अपना बजे से ले सको, और मम्मा पापा को भी टाइम दो थोड़ा सा तैयारी करने के लिए, है ना, है कि नहीं, थक है क्या, थोड़ा सा मन था कि झूला भी झुला देंगे इसको, पास में मेरे पास झूला भी है, बट इतनी बारिश तगड़ी तेज हो गई है अचानक से कि कुछ भी नहीं सोचे थे कि झूला वाला झुलाएंगे तो ऐसे सो जाएगी भी, तो आके रूम पे आराम से सुला देंगे और हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि अपना आराम से तैयारी कर लेंगे, पूरा डेकोरेशन कर लेंगे, बट अब रूम पे ऑप्शन बचता है सुलाने का। कहाँ गए आप बताओ? पापा गए सामान लेने के लिए। तो हम लोग का फाइनली घूमना फिरना हो गया, पूजा मैंने करा दिया। सबसे पहले ज़रूरी होता है बच्चों के लिए कि अगर ये तो उसका इतना, मेरी बेटी का आज खास दिन है और भगवान का आशीर्वाद लेना तो बनता ही। हालांकि ये जब भी इसका हमेशा कहे, जब भी ये नहा के निकलती है तो हमेशा बोलती है पूजा करना है पूजा करना है। मैं भले थोड़ा लेट अवेयर हो जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँ, बट इसको हमेशा रहता है कि मम्मा पूजा करना है पूजा करना है। तो कभी रूम पर तो कर ही लिए हैं, आज मंदिर जा कर लिए पूजा, है ना, भगवान का आशीर्वाद ले लिए, पूजा कर लिए, है ना, कदर सदबुद्धि दें, स्वास्थ्य हेल्दी रखें, ठीक रखें, है ना, है ना, है ना। बहुत मेहनत का काम नहीं है, मेहनत का काम नहीं है, सोती है ये, कितने मुश्किल से सोती है, मेहनत का काम पतियों को नहीं लगता इसलिए ना, क्योंकि दिनों में तो ऑफिस में रहते हैं, सुलाना तो हम माओ को होता है, लेकिन जब मेहनत इनके साथ मेहनत का काम नहीं है, इसलिए आज ये सुलाने वाले हैं। और मैं जाके छोटा तो आराम करूंगी, इनको बोलूंगा आप लोगों को शायद पता नहीं कि मैं महीने में 15 दिन मैं ही सुलाता हूँ। कुछ कहना है? वो इसलिए सुलाते हैं क्योंकि मेरे पास सोती ही नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सुलाने का, बट वो सोती ही नहीं तो मैं क्या करूँ फिर, इसलिए मुझे सच्चाई बोलना चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ। अब मोस्टली क्या होता है, दोपहर में जब आप नहीं रहते तो मैं ना सुलाती हूँ, जरूर आप जब रहते हो भाई, आपका शिफ्ट वाइज है, इनका शिफ्ट वाइज है, तो इसलिए रहता है, अगर जब भी नहीं सोती है। कोई बच्चे फिर माँ के पास नहीं सोते हैं क्योंकि उनको दूध पीना होता है, हमेशा अपने जिद करेंगे दूध पीने के लिए, इसलिए सोते ही नहीं है। जो लोग माएँ होती हैं सब जानते हैं, उनके बच्चे अपने माँ के पास वो नहीं सोते हैं, पापा पास रहेंगे तो उनको पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, डांट के प्यार करके जो भी करके उनके पास सोना ही सोना है, इसलिए आराम से सो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब मेरे पास सोना ही नहीं है तो मैं इतना फिर क्यों मेहनत करूँ, जब नहीं रहते तो फिर मैं सुलाती हूँ, बट जब रहते हैं तो मैं बोल देती हूँ तब आप सुला दो जल्दी सो जाएगी। सो पहुँच गए हम लोग रूम पे और इजी काम है तो यही सुलाएंगे आराम से। अब फिलहाल चाबी आ जाओ पापा, जल्दी से क्या करना है आप बताओ, पापा आ रहे हैं, चलो 1 2 3 ऊपर करो, ऊपर करो, चलो 1 2 3 चलो, नहीं करना है तो क्या करना है फिर, ये बोल रही है 1 2 3 करना लेकिन नीचे ऊपर नहीं जाना है इनको, देखिए आप कर सकते हैं तो बोलने, चलो बोलते क्या 1 2 3 नीचे करना, ऊपर नहीं जाना है, अब करना हो गया, पापा को देखते हैं 1 2 3। हैप्पी
हे एवरीवन, तो आ गए हम लोग रूम पे और जैसे ही रूम पे पहुँचे वैसे ही बारिश बंद हो गई। लग रहा था शायद बारिश भी चाह रहा था कि हम लोग रूम पे आ जाए न गए, बल्कि बस 5-10 मिनट रह गए होते पानी और मतलब बारिश और रुक गई होती ना तो इसको झुला दिए होते और वो झुलाते वैसे ही सो जाती। बट बारिश को भी परेशान करना था तो मौसम का क्या कह सकते हैं। बस इतना हुआ कि हाँ जरा कम से कम मौसम ठंडा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो मेरी बेटी भी लगी हुई, आते आते उसकी ज़िद हो गई कि आइसक्रीम खाना है। 2 कटोरी आइसक्रीम खाई, उसके बाद भी और ज़िद कर रही थी। बट नहीं, उसको खिलाएंगे तो और नुकसान करेगा, वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा प्रेमी, इस वजह से खिलाना पड़ा। और घूम रही हैं, क्या है उतार दें? उतार दें क्या? उतार दें, उतार दें, उतार दें फ्रॉक, उतार दें। ओके, कुछ देर पहले मैंने पूछा था उतार दे फ्रॉग, तो एकदम बोली देते कुछ और जब मैं हाथ लगाया वैसे चिल्लाना शुरू कर देते कि मतलब मत उतारो। और मैं जब वापस आके बैठ गई तो आके मैडम बोल रही हैं कि फ्रॉग उतार दे, है ना। तो इसका मैं थोड़ा कपड़ा चेंज कर दूँ, काफ़ी इसको पसीना पसीना हो रहा होगा और काफ़ी गर्मी लग रही होगी अब तो, क्योंकि बारिश थोड़ी सी हुई और होके बंद हो गई ना तो काफ़ी उमस उमस ऐसा होने हो गया, पूरा रूम लग रहा है उमस में। आज ही के दिन हुई थी तक इतनी छोटी सी थी, एक हाथ में आ जा रही थी और आज रुको ना, ये देखो ये कौन है? ये कौन है आप बताओ? ना ये कौन है? ये कौन है? शुभी। शुभी। और ये कौन है? मम्मा। मम्मा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। आज ही के दिन आप मेरे को हुए थे, भगवान जी दिए थे आपको आज के दिन, है ना। इतना मन्नत करने के बाद, इतना मांगने के बाद, सुकून मिला, जो तकलीफ जो कष्ट जो झेला वो लास्ट में बच्चों का मुंह देख के ना सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ पता नहीं चलता कि हाँ कोई पेन है कुछ भी है, सब कुछ हो जाता है जब बच्चा आपके बगल में आपके पास होता है। तो वो फीलिंग तो टच वुड, मतलब मैं क्या ही कहूँ, वो फीलिंग हर माँ के लिए बहुत ही अनमोल फीलिंग होती है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। तो वो फीलिंग थी मेरे लिए मेरी बेटी, और देखते देखते आज 2 साल की हो गई, इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चलता। अपनी आँखों के सामने जब बच्चे रहते हैं पता नहीं चलता, धीरे धीरे कब इतने बड़े हो जाते हैं। पिछले साल ही कहा मैंने इसका बर्थडे बनाया था, याद करती हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ दिन पहले की बात हो, और आज कहते कैसे 2 साल की हो गई, सेकेंड बर्थडे है। भगवान करे ऐसे ही अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे हमेशा। भगवान का आशीर्वाद और हमारा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी में बना रहे। चलते हैं उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं और कुछ चाय नाश्ता मैं बनाती हूँ, टाइम हो गया क्योंकि बज गए अब 6 बज गए हैं, तो 6:15 हो गए हैं, तो अब चलते हैं कुछ नाश्ता पानी बनाने के लिए। ओके okay?